फैक्टर्स अफेक्टिंग में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क करने को पक्का आएंगे नीट में, मेंस में या एनसीईआरटी में। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, पहला फैक्टर कंटेमिनेशन। तो अगर आपके पास कोई कंटेमिनेटेड वाटर है तो वाटर सरफेस हैज डस्ट, ग्रीस या ऑयल, सरफेस टेंशन हमेशा कम होती है इन चीज़ों से, ये याद रखना। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंस जो बहुत घुल जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन। स्पेरिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक सोप रिड्यूसेज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में। टेम्परेचर में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद रखना। आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, सरफेस टेंशन कम 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 हो रही है, आपने इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि सरफेस टेंशन बिल्कुल ही गई जीरो, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और सरफेस टेंशन कैसे चेंज होती है मैथमेटिकली, ये फॉर्मूला गिवन है बुक्स में। सरफेस टेंशन एट टी डिग्री सेल्सियस इज सरफेस टेंशन एट जीरो डिग्री सेल्सियस, वन माइनस एल्फा इन टू टी, टी फॉर चेंज इन टेम्परेचर, एल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सरफेस टेंशन। ये आपको ऐसे फील नहीं दे रहा जैसे थर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है, थर्मल एक्सपेंशन, तो ये वही फॉर्मूला है, वैसा ही फॉर्मूला है। तो ये इसकी थ्योरी है सरफेस टेंशन की। और